हाय एवरीवन, मुँ आशा करी आपने समस्ते भल सुधांश यूट्यूब चैनल को आपण पुणी थे स्वागत करी। तो इंडियन स्टॉक मार्केट ध्वंस, जो मैंने मो कथा शुणी से मैंने आजिका डेट्रे कि ना बची थे आटलिस्ट, जो मैंने बिना ज्ञान में डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग करते तो किसी हिसाब नथिबो। चलंतु निफ्टी बैंक निफ्टी चर्चा करवा, आम आज कौन करा बुझेगा। कल जो भाई बहुत भद्र भाव में पचारे जे भाई टेक्निकल एनालिसिस आपण जानते तो हाँ भाई गोटे कथ कह कि मुझे गोटे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बुझे। तो मोर फ्रेंड मैंने अदर रिसर्च एनालिस्ट मैंने हाथ गोड़ जाकिकी आज ना नई साइड रे बसिक देखुं नई पाटा जा भाई आपण कह आज कौन कर चेष्टा कर जो 150-150 लोक मोर टीम सहित एबंत लास्ट तीन मस जॉन कर प्रॉफिट किसी देवाई। देर इज नो ग्यारंटी ऑफ प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। किंतु मुझे चेष्टा करी, ओके आई एम नॉट इन ए हरी, मुझे जल्दी ना कि आपड़ मुझे सर्टिफिकेट देते मुझे बुझे दूँ बहुत भल भाव में कौन है आपड़ जापर। आईस मेक गोटे स्टक् अच्छे 903 कि आम शुक्रवार गला बेले मुझे जाणी जिते जहाँ जो पचे स्टक् प्रफिट दब। आईस मेक चलला आज 960 को देखि दिंतु। आपड़ जब देखा चाहूँ फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन करूँ, लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे। 3000 जन मेंबर प्रॉफिट कर देखि दिंतु। रेलटेल गोटे स्टॉक अच्छे एथेर केते परसेंट पाइले 6%। रेलटेल 468 रे किणा गला, 485 डे हाई लगेला 3% ऊपर गला, 6+3 9%। ओके आ गोटे स्टॉक अच्छे जहाँ विषय कहबे तार ना, ओके सो आमे आज जो इंडियन स्टॉक मार्केट टोटल ध्वंस हो जगार भी चेष्टा ही करी एवं से चेष्टा सफलता पूर्वक जा। तो सब गोटे कथा कह मार्केट रे बिना ज्ञान में आज किसी करें आपने शिखुए बहुत लोगों को शिक्षा मिलू भाई स्टॉक मार्केट एत जोर ध्वंस हो पाए गोटे दिन में जापान मार्केट 12% क्राश हो पाए डेफिनेटली पाए कहीं या कहुए स्टॉक मार्केट असली मजा जो बड़ बड़ मेगा मार्ट्रे जा बिग बिलियन डे समय रे डिस्काउंट कूपन कोड रे कचरा को उठेबा कथा हुए नी। एठी जेतले डिस्काउंट चले ना स्टॉक मार्केट रे, स्टॉक मार्केट जेतले डिस्काउंट करे माने मार्केट जेतले क्रैश करे क्वालिटी कंपनी लाइक एसबीआई बहुत चीप वैल्यूएशन ने मिलती। जदि आपणकर सत्साहस अच्छी एवं आपण प्रॉपर नॉलेजेबल फंडामेंटली और टेक्निकली आपण उठेबे भी प्रॉफिट करके देखेबे भी दैट्स कॉल स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल ताको कहा जाए। तो आपण मैंने आशा करी से जो 5% कथा छाड़ीदे 95% जमती शिखुंट सेमती आप शिक्षा चल कहीं जो धूआं उठी ग्लोबल मार्केट रे ये सब जो जापान जो ये सब ड्रामा जात्रा चलती बहुत जल्दी शेष हम शेष होगापर विनर केवल आवल आम ही हाँ। तेज चलत चर्चा करवा देखा निफ्टी में बैंक निफ्टी आसंता का कौन हम कि पूर्व जो मैंने भी जॉइन करना आपण मानी देखो हाथ गोड़ मो फ्रेंड मैंने जो मैंने अच्छे हाथ गोड़ जाकि बस क्लाइंट मैंने कौन मन दुखें कि आम चेष्टा ही करूँ। तो सहीटा हूँ मोर 5-6 वर्षर निरंतर मेहनतर फल। तो आपण मैंने फल फायदा उठाक चाहती किसी ना आप्लिकेसन को डाउनलोड करेंगे जो मैंने पूरा बिगिनर से मैंने ओडिया टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास कोर्स जॉइन करेंगे। जो मैंने टी एक्सपीरियंस अच्छे स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनाल ट्रेडिंग कोर्स जॉइन करेंगे। एमती है स्टॉक रे इक्विटी रे लॉन्ग टर्म पोजिशनाल शॉर्ट टर्म पर मुझे ट्रेड प्रोवाइड करे आज रिसर्च एनालिस्ट। आप फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन करें पूरा डिटेल्स देखिपारे सब कुछ जॉइन करेंगे आगे बढ़ी पारे चेष्टा करेंगे शिखिपारे बहुत किसी ज्ञान आहरण करेंगे। ओके तो निफ्टी में कौन है देखो सर्वप्रथम कथा निफ्टी में एमटॉक टॉप रो ब्रेकडाउन है। ओके जे कही भद्र व्यक्ति काली तू जमी देखे जमार शुणा शुण ना भाई लोक सुइसाइड करंगलोर जो भाई फोन करते कहले भाई आपण वीडियो आपड़ी सब कहते मो वीडियोटा पूरा लास्ट रे आसे आपण वीडियो मुझे लास्ट रे देखिली भाई मोर दरमा हो 70,000 आजिका डेट्रे करजरे मुझे अच्छी 75,000 भाई लोक बुझात जाए कि यूट्यूब्रे कि कौन पाई पगल आम साजिश कि आम ऑप्शन ट्रेडिंग कर कोटिपति जावा 20 लक्ष टकर लॉस रे सी अच्छा 20-25 लक्ष टकर सी भावुंत मो जीवन में कौन ना कौन करदेव ये कौन मजाक चलना कौन किए कहीदेला स्टॉक मार्केट मागणार पैसा मिलूँ मागणा भोजित पलि आस उठे जी शिखिपार शिख बाप अर्जित धन को कि निज धन को एमती फ्री फ्रांक उड़ातुनि कहीं बड़ कष्ट लोक अच्छा 11 वर्ष हम निज चाकरी की जी सुरखुरी से जीवन बीतूला बाप माँ दुख बुझिकी आजिका डेट्रे कांदुची
କାନ୍ଦୁଛି ସେଥିପାଇଁ କାରଣ 6 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଅପସନ୍ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଏମିତି କ'ଣ କମେଇଦେବି ବୋଲି କହିଲି। ଆଉ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ୟୁଥ୍ ମାନେ କେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେନି, କାରଣ ସେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜରେ ବୁଡ଼ିକି ଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ଆଗ ଦେଖିବେ ସବୁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କର ପାଣି ଠାକୁର ଏମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ। ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ମାର୍କେଟ କାଢ଼ିବ ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆରେ ଇକ୍ୱିଟିରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା। ତେଣୁକରି ଜମା ଯାଆନ୍ତୁନି, ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ ଶେଷ ପୁରା। ଓକେ, ଓପନ୍ଲି କହୁଛି। ସୋ ଏମ୍ ଟପ୍ର ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ ଟପ୍ର ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୁଏ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଯେତେବେଳେ ପୁରା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲାକୁ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ କରିଛି, ଏଇଠି 25,000ରୁ 24,100 ଲେବୁଲ୍ ତଳେ ଆମେ କ୍ଲୋଜିଂ ଦେଇଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମ୍ ଟପ୍ର ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ଲେବୁଲ୍। ତ 900 ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି। ତ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଆପଣ 24,100 ତଳେ 23,200 ଲେବୁଲ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ, ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଚାର୍ଟ। ଓକେ, ତ 23,200 ଲେବୁଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ମାନେ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ କମ୍ପଲସରି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଫର୍ ଦାଟ୍, ଯଦି ମିଳିଲା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତ ମାର୍କେଟରେ ପୁଣି ହେବ କ'ଣ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମାର୍କେଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କେଟ। ଏସବୁ 2-4 ଦିନରେ ଗୋଟେ ହପ୍ତାହର କଳହ ଉଠିଲା ପରେ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ତଳେ ଲୋୟର୍ ବେଲ୍ଟ ଆସି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରେ। ବଟ୍ ଆଜି ପାଇଁ ସରି କାଲି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ ସପୋର୍ଟ ନେଇଛେ ନା 23,900 ସମଥିଙ୍ଗ ଏରିଆରେ, ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଫର୍ଦର ଆମେ ପୁଣି କାଲି ଅଲରେଡ଼ି ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ମେବି ଓପନ୍ ହୋଇପାରେ, ଆହୁରି ତଳକୁ ଯାଇପାରେ, ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଫର୍ ଦାଟ୍। ଆମେ କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ସେସନ୍ସରେ, ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ କରିବାକୁ କହୁନି, କାହାକୁ ଏମିତିରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ କହୁନି ଦୟାକରିକି। ଯଦି 24,300 ପରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କାଲି ସେସନ୍ସରେ କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା ସେସନ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଫ୍ଟିର ଚାର୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଚାର୍ଟଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ ବି ସେଇ ଇନଭର୍ଟେଡ଼ କପ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖୁଛ ତ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଜଣାନାହିଁ ଯେ କହିଥିଲା ଇନଭର୍ଟେଡ଼ କପ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଓକେ, ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ତ ୟାର ବି ସେଇ କପ୍ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେତିକି ସେତିକି ଖସିବା ଦରକାର। ତ 48,000 ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଉଛି ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି 48,000କୁ ଆସିବ ମୁଁ ତ ଖୁସି, କାରଣ SBI ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ, କିଏ ମନା କଲେ କି ଆଣୁନ ବା ଓପନ୍ଲି କହୁଛି, ଧମକି ଦେଉଛି ଆଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟକୁ 44,000 ଆଣ, ମୁଁ ରେଡ଼ି ଅଛି SBIରେ। ଆପଣ ତ ଦେଖିବେ ରେଜଲ୍ଟ ଆଉ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଧନକୁ ଆଣି ଏଠି ଲସ୍ କରନ୍ତୁନି, ଶିଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟକୁ। ସୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ବି ୱିକ୍ ଟେରିଟୋରିରେ ଅଛି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାଲି 49,800 ଲେବୁଲ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ୟା ତଳେ ପୁଣି 500-700 ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରାସ୍ ହୋଇପାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିର ବି। ଏଇ ହେଉଛି ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହିଁ ଗୋଟେ ଜୋନ୍। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ତରଫରୁ ମେହନତ ଆନାଲିସିସ୍, ମୋର ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ସେ ଜିନିଷ ନୁହଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଟିକେ କେଞ୍ଚା କେଞ୍ଚି କରିକି 2 ପଇସା କମେଇଦେବେ, ନା, ଏଥିରେ ପ୍ରପର୍ ଶିକ୍ଷା ପଡ଼ିବ, ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଶିଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଶିଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ପଇସାକୁ ଏମିତି ଲସ୍ କରନ୍ତୁନି, କିଛି ମିଳିବନି ଭାଇ, ଭ୍ରାନ୍ତ ମରିଚିକା ପରା ଜୀବନଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।